चक्रवाती तूफान यास का असर, रांची समेत कई जिलों में लगातार बारिश, तेज हवा से गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित, चाईबासा में डूबे क्षेत्र को खाली कराया प्रशासन ने। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। राजधानी समेत झारखंड के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान यास का असर बुधवार से दिखने लगा। सुबह से कई क्षेत्रों में तेज बारिश शुरू हो गई। चाईबासा के डूब क्षेत्र को प्रशासन ने खाली करा दिया। लगातार बारिश और तेज हवा के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 28 मई तक झारखंड में इसका व्यापक असर रहेगा। इस दौरान हवा की गति 100 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि समय रहते सहयोग उपलब्ध कराया जा सके। मौसम केंद्र राजधानी के सीनियर वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक झारखंड में इसका व्यापक असर पड़ेगा। झारखंड के रांची, रामगढ़, गुमला, चाईबासा, बोकारो और खूंटी जिले में तेज बारिश होगी। 27 मई को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ राजधानी रांची और आसपास के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 28 मई को गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, चतरा में भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा 29 मई से राज्य में चक्रवाती तूफान यास का असर खत्म होने लगेगा।